स्टूडेंट्स, तो हम आज अपने नेक्स्ट वीडियो को लेके आपके समक्ष पेश हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कला, चित्रकला एवं कला संग्रहालय। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम संग्रहालय की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है भूरि सिंह संग्रहालय। ठीक है, पहले बात करेंगे हम भूरि सिंह संग्रहालय। तो आपको पता है ये जो है कहाँ है, जिला चंबा में स्थित है। कहाँ यह चंबा में स्थित है, ठीक है, चंबा में। और इसकी स्थापना जो है राजा भूरि सिंह ने की थी। किसने स्थापना, राजा भूरि सिंह। ठीक है, तो याद रखना है की थी और कब की थी, 1908 ईस्वी में की थी। कब, 1908 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसोली शैली की कलाकृतियां रखी गई हैं। किसकी, कांगड़ा और बसोली की। ठीक है, बसोली की, बसोली शैली की कर रहे थे। ठीक है, शैली की जो है हमारी कलाकृतियां रखी गई हैं। ठीक है, कलाकृतियां। ठीक है, इसमें राधा कृष्ण प्रसंगों का या प्रसंगों पर जो है कृतियां उपलब्ध है। किसमें, राधा कृष्ण प्रसंगों की। राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियां। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगली बात करता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। अगली बात करता हूं नगर आर्ट गैलरी। ठीक है, नगर आर्ट गैलरी। ये कहाँ है, कुल्लू के नगर में। कहाँ, कुल्लू जिले के नगर में। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। इसकी स्थापना जो है निकोलस रोरिक ने की थी। किसने, निकोलस। ठीक है, निकोलस रोरिक। ठीक है, निकोलस रोरिक, इसे जो है रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। ठीक है, 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसकी, वर्ष 2012 में। ठीक है, निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज। कॉलेज की स्थापना की। ठीक है,
अगला है अंद्रेटा आर्ट गैलरी। तो ये जो हमारे कांगड़ा जिला के अंद्रेटा में स्थित है, ठीक है, कांगड़ा जिला जिला के अंद्रेटा में, ठीक है, तो याद रखना है अंद्रेटा करना, ठीक है, अंद्रेटा में स्थित है, या तो बिंदी लगा दो नौ लगा दो, ठीक है, अंद्रेटा में स्थित है, ठीक है। यह शोभा सिंह की अनेक कृतियां रखी गई है, किसकी, शोभा सिंह की अनेक कृतियां, रखी गई है, इसे जो हम शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके ऊपर वर्ष 2012 में से आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदल दिया गया था, ठीक है, तो ये याद रखनी आपने। इस गैलरी को जो है, ये जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है, ये शोभा सिंह की पत्नी थी नोरहा रिचर्ड, ठीक है, उसने स्थापित की थी। नोरहा रिचर्ड ने इसे स्थापित किया था, स्थापित ठीक है, ये जो शोभा सिंह की पत्नी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट म्यूजियम, स्टेट स्टेट म्यूजियम, ठीक है, ये शिमला में है, कहाँ, शिमला में, ठीक है, और इसकी स्थापना जो थी 1974 ईस्वी में की थी। स्थापना, ठीक है, अगला है कांगड़ा कला संग्रहालय। कांगड़ा कला संग्रहालय, ये जो कहाँ, धर्मशाला में है, कहाँ, धर्मशाला में, स्थापना 1991 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना आप लोगों ने। लास्ट है जनजातीय संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय, ये जो हमारे केलोंग में है, कहाँ, केलोंग में, केलोंग में, स्थापना इसकी 2006 में हुई, ठीक है, याद रखना आपने। ये तो हमने संग्रहालय के बारे में पढ़ा, अब हम जो है चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। चित्रकला, ठीक है, बात करेंगे चित्रकला,
हिमाचल में सबसे पहले गुलेर कलम है, ठीक है, चित्रकला में सबसे पहले गुलेर की कलम सबसे पुरानी चित्रकला है, गुलेर की कलम, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। तो हम पढ़ रहे थे जैसे चित्रकला, तो चित्रकला में सबसे पहले जो था हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले गुलेर की कलम का आविष्कार, उसके बाद बहुत सी कलमें चित्रकलाएं विकसित हुई, जैसे कांगड़ा कला, इसके बाद जैसे कांगड़ा कला कुल्लू की कुल्लू कला कलम, मंडी कलम, ठीक है, तो याद रखना, चंबा कलम, का विकास हुआ, ठीक है, इन कलाओं का या कलमों का विकास। और बाद में जो है हमारी कांगड़ा कला अत्यधिक प्रसिद्ध हुई, कौन सी, कांगड़ा कलम, बाद में अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। जिसे पहाड़ी कला चित्रकला को कांगड़ा कला कहा जाने लगा, जो भी हमारी पहाड़ी की चित्रकलाएं थी उन्हें हम फिर बाद में जो है कांगड़ा कला का नाम दिया गया। तो ठीक है, कल हम जो है कांगड़ा कला के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Yeah.